इसी वर्ष सितंबर में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साथ मिलकर ट्राइलेटरल सप्लाई चेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसका मकसद यह था कि ये तीनों देश कुछ अहम क्षेत्रों में अपनी सप्लाई चेन को चाइना फ्री करने पर जोर देंगे। भारत और जापान का दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में नाम शामिल है और ऐसे में ये देश मिलकर चीन को बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब भारत चाहता है कि इस इनिशिएटिव में आसियान के देशों को भी शामिल किया जाए। 12 तारीख को भारत और वियतनाम मिलकर भारत आसियान समिट की अध्यक्षता भी करने वाले हैं, जिसमें भारत की ओर से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है। आसियान अगर इनिशिएटिव में शामिल हो जाता है तो यह चीन के लिए किसी बड़े प्रहार से कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आसियान चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आसियान भारत और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास करता है तो यह चीन को सालाना कई बिलियन की हानि पहुंचा सकता है। भारत ने स्टील, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स और आईटी सर्विस जैसे ऐसे 10 सेक्टर्स चुने हैं जहां आसियान के साथ मिलकर चीन को भारी चोट पहुंचाई जा सकती है। भारत इस इनिशिएटिव को ऐसे वक्त में विस्तृत करना चाहता है जब चीन पहले ही आसियान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ आरसेप यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पिछले कुछ समय में भारत ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। वह आसियान देशों पर अपने आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि भारत और फिलीपींस के बीच एक प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। फिलीपींस ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अपनी ओर से ड्रिलिंग करने पर पाबंदी हटाने का भी फैसला लिया है, जिसके बाद इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि भारत और फिलीपींस भविष्य में साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अब आसियान में चीन विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारत और जापान जैसे देश कमर कस रहे हैं। अमेरिका की ओर से बेशक चीन विरोधी मुहिम में कोई ढील देखने को मिल सकती है, लेकिन भारत और जापान की ओर से चीन को कोई राहत नहीं मिलने वाली। भारत आरसेप से बाहर होकर पहले ही चीन को एक बड़ा झटका दे चुका है। अब भारत एक और बड़े वार की तैयारी में है।